नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के लिए एक नया ऑनलाइन कोर्स अपलोड किया गया है। इस नए ऑनलाइन कोर्स का नाम है जीवन कौशल मॉड्यूल प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के मध्य कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में हम जीवन कौशल मॉड्यूल के पार्ट 1 स्व जागरूकता की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। किसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जीवन कौशल मॉड्यूल प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए इस प्रशिक्षण का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को टच करेंगे तो ये प्रशिक्षण आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रशिक्षण स्टार्ट होगा तो इस तरह का आपके सामने होगा जीवन कौशल। तो जीवन कौशल प्रशिक्षण जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया गया है जीवन कौशल एक परिचय। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसमें जब दूसरे पार्ट पर पहुंचेंगे स्व जागरूकता, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 वीडियो दी गई हैं, स्व जागरूकता भाग 1, भाग 2 और भाग 3, और उसके बाद स्व जागरूकता मूल्यांकन 2। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे स्व जागरूकता मूल्यांकन 2। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, भविष्य हेतु वर्तमान में जागरूक होकर अपनी क्षमता कुशलता कमियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर एक योजना बनाना और उस पर कार्य करना किस कौशल में सबसे ज्यादा संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समानुभूति कौशल, संप्रेषण कौशल, स्व जागरूकता कौशल और पारस्परिक संबंध कौशल। तो इसका सही आंसर होगा स्व जागरूकता कौशल। इस पर आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता कौशल में कौन से गुण या विशेषताएं निहित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्व नियमन, स्व मूल्यांकन, स्व प्रेरणा और स्व अहम। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन शुरू के सही हैं, इसमें स्व अहम आ जाएगा, इसमें नीत नहीं होता। तो स्व अहम पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माइंडफुलनेस क्या है, अनुभव संकलन का तरीका, स्पष्ट विचार बनाने का तरीका, दूसरों की राय जानने का तरीका, दो विचारों के आपस का टकराव। तो सही आंसर होगा स्पष्ट विचार बनाने का तरीका। इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, SCRT जीवन कौशल मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक के स्व जागरूकता के विकास में कौन सा तत्व बाधक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरों की नकल करना, अच्छे श्रोता बनना, नियमित योगाभ्यास, डायरी लिखना। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों की नकल करना। इस पे क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दर्पण से इतर में गतिविधि कराए जाने पर कक्षा 3 के कुछ बच्चे अपनी रुचियों के बारे में नहीं बता पाए, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी बच्चों के स्व जागरूकता कौशल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, बच्चों की रुचियों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, बच्चे शिक्षक के सामने बोल नहीं पाते, इतने छोटे बच्चों से अपनी रुचियों को पहचानने की आशा नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों के स्व जागरूकता कौशल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता कौशल के विकास की आवश्यकता में क्या सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, इससे हमें अपने व्यवहार का आकलन करने की समझ मिलती है, हमारी निजी समस्याएं कक्षा तक पहुंच जाती हैं, अपनी भावनाओं से अवगत हो पाते हैं, हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो इसमें दिया गया है कि
स्वजागरूकता कौशल के विकास के लिए आवश्यकता में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, हमारी निजी समस्याएं कक्षा तक पहुंच जाती हैं। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों में स्वजागरूकता कौशल विकसित होने पर कौन से गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगे। अपनी समस्या खुद हल कर लेंगे, बच्चे अपना परिचय दे पाएंगे, अपने सभी निर्णय स्वयं ले लेंगे, अपनी कमियों को पहचानने लगेंगे। तो सही आंसर होगा, बच्चे अपना परिचय दे पाएंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, SWOT शब्दावली के विस्तृत रूप में क्या सम्मिलित नहीं है। चुनौतियां, अवसर, आत्मविश्वास या कमजोरी। तो इसमें आ जाएगा आपका आत्मविश्वास। इस पे क्लिक कर देंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के छात्रों को शिक्षिका ने एक गतिविधि हम क्या चाहें हमें क्या भाएं करने को कहा, जिसमें उन्हें ऐसी 10 बातें लिखनी थी जिसे वे बड़े होकर करना चाहते हैं। छात्रा मोहिनी अपनी लिस्ट नहीं बना सकी, आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोहिनी अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है, मोहिनी में स्वयं जागरूकता का अभाव है जिसका विकास किया जाना चाहिए, मोहिनी अंतर्मुखी स्वभाव की है, पूर्व की कक्षा में मोहिनी की स्वयं जागरूकता पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, मोहिनी में स्वयं जागरूकता का अभाव है जिसका विकास किया जाना चाहिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जो स्कूल में स्वयं की भावनाएं और दूसरों की प्रतिक्रिया समझ लेता है, अपने गुण और दोषों का आकलन कर योजना बना लेता है, अपने आचरण का आत्मविश्लेषण कर बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है, शिक्षक में किस जीवन कौशल के प्रभाव स्वरूप यह लक्षण परिलक्षित हुए हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, समानुभूति कौशल, स्वजागरूकता कौशल, पारस्परिक संबंध कौशल, समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो इसका सही आंसर होगा स्वजागरूकता कौशल। इस पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमने 10 किए, क्वेश्चन आंसर भी 10 किए, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0 हुए। अब हम सबमिट करते हैं, जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमारा स्कोर 10 out of 10 हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 हुआ। इसी तरह जल्द से जल्द मैं सभी वीडियो बना दूंगा, पार्ट 2, 3, 4, 5 जितने भी इसमें पार्ट हैं सभी की वीडियो आपको टाइम से उपलब्ध हो जाएगी। तब तक आप पार्ट 1 तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।